सो गाइस आज हम देखेंगे 22 फीट बाय 50, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टली जो साइज है जो कि है 22 और वर्टिकली जो साइज है जो कि है 50। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो एरिया है वो पूरा ओटा एरिया है, ओटा। और यहाँ से हमने स्टेप्स दिए हैं जो हमें अपर फ्लोर पे लेके जाएंगे जो कि है टेरेस फ्लोर। अभी हम जाएंगे लिविंग रूम की ओर। तो यहाँ से लिविंग रूम की मेन एंट्री है। तो लिविंग रूम की जो साइज है वो 26 फीट बाय 18 फीट 5, मतलब कि हॉरिजॉन्टली जो साइज है जो कि है 20 फीट और वर्टिकली जो साइज है जो कि 18 फीट 5, हॉरिजॉन्टली भी 20 फीट 6 और वर्टिकली भी 18 फीट 5। यहाँ पे हमने लिविंग रूम देखा। अभी हम आगे की ओर जाएंगे तो ये वाला जो है वो कॉमन टॉयलेट एरिया है। सो कॉमन टॉयलेट की जो साइज है वो 7 फीट 4 बाय 4 फीट 5, मतलब हॉरिजॉन्टली जो स्पेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि है 7 फीट 4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली जो साइज है वो 4 फीट 5। बैक साइड पर हमने OTS प्रोवाइड किया है और यहाँ पे हमने वेंटिलेशन भी प्रोवाइड किया है। तो ये हो गया कॉमन टॉयलेट। अभी हम देखेंगे किचन डाइनिंग कम्बाइंड स्पेस। तो किचन डाइनिंग कम्बाइंड की जो साइज़ है वो 20 फीट 6 बाय 10 फीट 6, मतलब हॉरिजॉन्टली जो साइज़ है वो है 20 फीट 6 और वर्टिकली जो साइज़ है जो कि है 10 फीट 6। और ये यहाँ पे हमने देख लिया किचन। अभी हम जाएंगे बेडरूम की ओर। तो ये वाला फर्स्ट बेडरूम, तो ये बेडरूम की जो साइज़ है वो जो कि है 10 फिट 1 बाय 13 फिट 10, मतलब हॉरिजॉन्टली जो साइज़ है 10 फिट 1 और वर्टिकली जो साइज़ है जो कि है 13 फिट 10। आफ्टर दिस बेडरूम यहाँ पे हमने अदर वन बेडरूम प्रोवाइड किया है। तो ये बेडरूम की जो साइज़ है वो 10 फिट 1 बाय 10 फिट 6, मतलब हॉरिजॉन्टली 10 फिट 1 और वर्टिकली 10 फिट 6। सो yeah, that's it for today's video. If you like this video and like, for the like, share and subscribe our YouTube channel and wait for another updated video.